एलिमेंट्स। इससे पहले लेक्चर वीडियो में, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का तीन चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय, लौहचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय गुण कंप्लीट कर दिए थे। इसके बाद आज नेक्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आयनन विभव। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही प्रॉपर्टीज चल रही है, जिसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट में पाए जाने वाले अलग अलग गुणधर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। आज स्टार्ट करते हैं आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है? किसी भी विलगित तत्व, विलगित निकाय अर्थात किसी तत्व के बायतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है या फिर आयनन विभव कहलाती है। अगर किसी बायतम कोश के इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली ऊर्जा ज्यादा है तो आयनन विभव का मान ज्यादा, और दी जाने वाली ऊर्जा कम है तो आयनन विभव का मान कम। अब हम कैसे देखेंगे कि आयनन विभव का मान ज्यादा और कम कैसे होता है? अगर इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांधा हुआ है किसी तत्व में, मजबूती से बांधेगा कौन? नाभिक। नाभिक पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जो कि इलेक्ट्रॉन जैसा जो ऋणात्मक होता है को मजबूती से अगर बांधे रखेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान ज्यादा होगा। अगर नाभिक मजबूती से पकड़े हुए नहीं होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। डी ब्लॉक तत्व में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ आयनन विभव के मान में आयनन विभव के मान और बढ़ते जाते हैं। आयनन विभव के मान बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ आयनन विभव के मान बढ़ने का कारण यह है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जाता है। तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जा रहा है तो भार के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़े हुए होगा, और भार के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़ेगा तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए आयनन ऊर्जाओं के मान कैसे हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इसकी कोई अपवाद देखें तो अपवाद होते हैं कुछ, जैसे हमने बात कही कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो आयनन विभव बढ़ेगा, क्यों? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। लेकिन इसके अपवाद हैं, जैसे अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम वैनेडियम के नीचे आता है और मैंगनीज के ऊपर आता है, तो परमाणु क्रमांक यहां से आता है, परमाणु एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए आयनन विभव, सबसे कम इसका। लेकिन अपवाद ये है कि क्रोमियम का आयनन विभव वैनेडियम से तो ज्यादा हो रहा है, ये बात तो मान रहे ऐसा नियम कह रहा है, लेकिन मैंगनीज से ज्यादा होता है इसके द्वितीय आयनन विभव का मान। कौन से? द्वितीय आयनन विभव का मान मैग्नी से भी ज्यादा होता है, ये अपवाद है। कारण क्या है? अर्धपुरित विन्यास कैसा होता है? स्थाई होता है, और जो स्थाई होती है वो टूटना नहीं चाहती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इसके अलावा और देखें, जैसे निकल का आयनन विभव सबसे कम, फिर कॉपर और जिंक का होना चाहिए, लेकिन कॉपर का आयनन विभव निकल से तो ज्यादा होता है, जिंक से भी ज्यादा होता है, पर रूल कहता है कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ आयनन विभव बढ़ना चाहिए, लेकिन जिंक का आयनन विभव कॉपर से कम होता है। कारण क्या है? वही स्थायी विन्यास। इसमें क्या होता है? पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास होने के कारण ये स्थायी प्राप्त करते हैं, और कोई स्थायी चीज नहीं टूटना चाहती है, कोशिश करती है वो स्टेबल बनी रहे, तो इलेक्ट्रॉन स्थायी विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन मजबूती से बांधा रहेगा, नहीं निकलेगा इजीली, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इसके द्वितीय आयनन विभव का मान ज्यादा और इसके द्वितीय आयनन विभव का मान
कम होता है। द्वितीय आयनन गैप से मतलब है जैसे मैं इसका विन्यास लिखूं 3d5 4s1, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा क्योंकि 3d5 स्थाई है, 4s1 नहीं। इसी तरह ये 3d10 और 4s1 में से 1 तो निकल जाएगा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूं द्वितीय आयनन विभव। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, अगर मैं ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती मतलब वेरिएबल, मतलब बार बार, प्लस टू भी करेंगे, प्लस थ्री भी करेंगे, प्लस फोर भी करेंगे, प्लस सेवन, मैनी अधिकतम प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कारण क्या है, क्योंकि हम जब से विन्यास देख रहे हैं तो 3D और 4s की बात कर रहे हैं, 3D में इलेक्ट्रॉन 4s में इलेक्ट्रॉन। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का कारण यह है क्योंकि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होने का कारण यह है क्योंकि जो 3D और 4s कक्षक होते हैं ये आपस में एक दूसरे के नजदीक उपस्थित होते हैं, तो जितनी ऊर्जा से 4s का इलेक्ट्रॉन निकलता है उससे थोड़ा बहुत अंतर होते ही 3D से भी इलेक्ट्रॉन, अर्थात जितनी 3D के लिए ऊर्जा अंतराल होता है उतना ही 4s के लिए होता है। लगभग समान ऊर्जा अंतराल होने के कारण जितनी ऊर्जा एक कक्षक के लिए चाहिए उतनी ही ऊर्जा में दूसरे कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकलने के प्रयास के कारण परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ी अधिक ऊर्जा की, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया कम भी, एक इलेक्ट्रॉन कम, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित होती है। रीजन क्या है, 3D व 4s कक्षकों के दोनों ही कक्षकों की ऊर्जा अंतराल होते हैं, ऊर्जा के बाद होते हैं लगभग बराबर होते हैं, इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो इसमें सबके पास लगभग प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, इसीलिए इसके लिए जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनके लिए प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अगर मैं ऑक्सीकरण अवस्था का एक चार्ट बनाऊं तो ऑक्सीकरण अवस्था का चार्ट क्या रहेगा देखते हैं। पांचों तत्व लिख दिए, ठीक है, क्रोमियम व कॉपर, ये दोनों जिंक नहीं लेते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व नहीं है, क्रोमियम और कॉपर ही मात्र प्लस वाला ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनका 3d5 4s1 और इसका 3d10 4s1, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, उसके बाद इसका विन्यास होता है, तो 1-1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो स्कैंडियम प्लस टू नहीं करता, प्लस टू ये भी करता है, प्लस टू ये सभी प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, स्कैंडियम प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कारण यह है क्योंकि मैंने बोला इसका विन्यास देखते हैं स्कैंडियम का, तो क्या हुआ 3d 4s मैंने देखा, आर्गन 18-21 तक लिखना है, 18-19-20 और 21। प्लस टू ना करने का कारण यह है कि 3D और 4S लगभग बराबर ऊर्जा अंतराल, लगभग समान ऊर्जा अंतराल के होने के कारण जब दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन इनके साथ निकल जाता है क्योंकि इनकी ऊर्जा, इनमें ऊर्जा अंतर नहीं होता है, ऊर्जा अंतराल ना के बराबर होने के कारण जितनी ऊर्जा में दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतनी ऊर्जा में तीसरा भी निकलता है साथ में, तो प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करते, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है, ये मतलब ये प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। अब प्लस थ्री कौन कौन से और कर सकते हैं, बुलेट से प्लस थ्री, लेकिन कॉपर प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। इसके बाद और ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में लिखूं मैं तो ये प्लस फोर,
ये हो गई प्लस फोर ऑक्सीकरण। ये जो मैंगनीज होता है ये अधिकतम प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो हम देखो मैं और ऑक्सीकरण अवस्था की बात, प्लस फोर प्लस फाइव प्लस फाइव वैनेडियम छोड़ दे रहे हैं, इसकी भी तो है प्लस टू, ये भी प्लस टू करता है, ये भी प्लस थ्री करता है, प्लस फोर भी करता है और ये प्लस फाइव भी करता है, बीच में लिया था। अब इसके बाद प्लस सिक्स, ये भी प्लस सिक्स, ये भी प्लस सिक्स, ठीक है, एक रुको, प्लस फोर ये प्लस फाइव, ये प्लस फाइव ये भी कर रहा है, इसके नीचे ये फिर इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक है। तो प्लस सिक्स ये कर दिया, ये कर दिया, हाँ ये भी प्लस सिक्स करता है, ठीक है। तो प्लस सिक्स ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो गई। इसके बाद जो मैंगनीज होता है वही अधिकतम प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन एक बनता है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, प्रदर्शित होती है प्लस सेवन, कौन प्रदर्शित करता है, मैंगनीज अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, स्कैंडियम केवल प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्रोमियम व कॉपर ही ऐसे ही है जो प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा कोई और नहीं करता है। इसके अलावा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य या फिर स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, अर्थात सभी के द्वारा प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था दी जाती है। इसके बाद आपके पास जो सभी नोट्स हैं उन सभी में लिखा हुआ है कि जैसे टाइटेनियम है वो प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित क्यों कर रहा है, कारण ये होता है जैसे प्लस फोर इलेक्ट्रॉन निकलने पर स्थायी विन्यास निकल हो जाता है, किसी में कितने इलेक्ट्रॉन निकलने पर स्थायी विन्यास हो जाता है, तो इस आधार पर भी आपके सभी सभी के पास पॉइंट्स वाइज पॉइंट लिखे हुए हैं कि कौन से जो तत्व होते हैं, जैसे प्लस फाइव कोई क्यों प्रदर्शित कर रहा है, हो सकता है स्थायी विन्यास हो जाए, हो सकता है अर्धपूरित हो सकता है पूर्ण पूरित हो, तो ये सारे रीजन लिखे हुए हैं। इस प्रकार जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली सारे जो प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट हुई। अभी आगे कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जिनमें एक प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी तत्व है वो अम्लीय कब बनेगा, अम्लीय मतलब अगर ऑक्साइड बनाते हैं वो अम्लीय कब होगा, क्षारीय कब होगा, वो देखते हैं। अम्लीय कब होगा, जब कोई तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, किसी पदार्थ में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वो अम्लीय होगा, अगर निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी तो वो क्षारीय होगा, और बीच की ऑक्सीकरण अवस्था है, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, जैसे कि अगर हम बात करें कोई है जैसे आप अधिकतम वन, निम्नतम वन से अधिकतम सेवन तक, तो बीच में कुछ प्लस फोर, तो मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करें तो क्या होगा, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो एक हो गया अम्लीय, एक हो गया क्षारीय, मैंने आपको बताया उच्चतम हो तो अम्लीय, निम्नतम हो तो क्षारीय, बीच की ऑक्सीकरण अवस्था हो तो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसके बाद आगे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे रेडॉक्स विभव, उत्प्रेरकीय गुण, अभी हम उनको स्टार्ट करते हैं। आगे डी ब्लॉक के तत्वों में इन जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, इनके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या शायद मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा माध्यम की प्रकृति और इन पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। अम्लीय जो ये मैंने अभी जो बताया है, अम्लीय क्षारीय और उभयधर्मी प्रकृति जो बताई है, इन पर कुछ कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे डी ब्लॉक तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं हैं, माध्यम की प्रकृति है आदि। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, आपके नोट्स में दिया है, इजीली बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अम्लीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, वो उभयधर्मी प्रकृति होती है, उसको हम डी ब्लॉक तत्वों में कैसे आइडेंटिफाई, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब वो कुछ इसी का लगभग टॉपिक है, ऑक्सीकरण अवस्था का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स विभव, स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स विभव।
ऑक्सीजन अवस्था के बाद मेन पॉइंट है, मेन प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं। जब किसी धातु को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाता है, क्या करेंगे, कोई धातु है उसे उसी धातु के आयनों के विलयन में डुबोएंगे तो एक अभिक्रिया संपन्न होगी। मतलब धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को, धातु है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, आकर्षित किया जाएगा, रिएक्ट किया जाएगा। कारण क्या है, धातु कैसी होती है, धातु धनावेशित युक्त होती है, मतलब विद्युत धनी प्रकृति की होती है। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगी, कब, जब उस धातु को उसी के आयनों के विलयन में डालेगी। तो रिएक्शन क्या होगी, एम प्लस एन इलेक्ट्रॉन। अब एन इलेक्ट्रॉन लिखते समय हमें क्या लिखना है, एन प्लस भी लिखना पड़ेगा। तो एन इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगी, धातु। मतलब जब हम किसी धातु को उसके आयनों के विलयन में यदि डुबोया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसमें से, और उसके चारों तरफ एक परत जमा हो जाएगी, एक उभार नुमा परत जमा हो जाएगी। कब, जब उसे उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाता है। अर्थात कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई है इसमें, अपचयन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, अपचयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अभिक्रिया संपन्न हुई है। अर्थात कौन सी अभिक्रिया हुई है, अपचयन अभिक्रिया हुई है। तो इस समय जो विभव होगा, जो विभव स्थापित होगा, उस विभव को हम कहेंगे अपचयन विभव। उस विभव को क्या कहेंगे, अपचयन। दोबारा, जब किसी धातु को उसके विलयनों में डुबोया जाता है तो धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, अर्थात अपचयन क्रिया की जाती है, और उस समय जो विभव स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन विभव कहा जाता है। अगर इसी अपचयन विभव की परिस्थितियों को मानक कर दिया जाए, अपचयन विभव की परिस्थितियां मानक करते हैं, हमें पता है सारी स्टैंडर्ड परिस्थिति है, संदर्भ परिस्थिति है, तो उस कंडीशन में ये जो अपचयन विभव है वो कहलाता है मानक अपचयन विभव। ये टर्म आप काफी बार सुन चुके होंगे। तो मानक अपचयन विभव क्या होता है, जब हम अपचयन विभव मानक परिस्थितियों में ज्ञात करने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मानक। अगर परिस्थितियां कैसी है, मानक है, तो अपचयन विभव क्या हो जाएगा, यही अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव कहलाता है। इन्हीं परिस्थितियों में क्या कहलाता है, मानक अपचयन विभव कहलाता है। जिन धातुओं के लिए अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है उन्हें उनकी प्रकृति होती है अपचायक प्रकृति। क्या है, अगर मानक अपचयन, इस वाले विभव मैं लिख रही हूं मानक अपचयन विभव, अगर इस मानक अपचयन विभव का मान कैसा है, ऋणात्मक है, तो उसकी प्रकृति हम पता लगाते हैं इस बेसिस पर, अगर मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अपचायक प्रकृति। उसकी प्रकृति कैसी होगी, अपचायक प्रकृति। और यदि मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है तो उस कंडीशन में उसकी प्रकृति होती है ऑक्सीकारक। अगर मानक अपचयन विभव का मान कैसा हो, धनात्मक हो, तो प्रकृति होगी ऑक्सीकारक। प्रकृति कैसी होती है, ऑक्सीकारक। हमने क्या किया, एक धातु ली, उस धातु को उसके आयनों के विलयन में डाला, जैसे विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस विलयन में से, और उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है, अर्थात अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। अगर कोई धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसे बोलते हैं अपचयन। अभिक्रिया कौन सी हो रही है, अपचयन की अभिक्रिया। इस स्थिति में जो विभव होता है उसे बोलते हैं अपचयन विभव। इसके अलावा अगर इस अपचयन विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है तो उसे मानक अपचयन विभव कहा जाता है। अगर हमें किसी की अपचायक और ऑक्सीकारक प्रकृति को पता लगाना है तो अगर मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक है तो प्रकृति अपचायक, और मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, ऑक्सीकारक प्रकृति होती है। तो हम ये बात समझ गए कि अपचायक प्रकृति कैसी होगी, किससे होगी, और ऑक्सीकारक प्रकृति कैसे होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो CO+3 किसका है,
सीओ की ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके अलावा सीयू प्लस और सीयू की है, सीयू प्लस टू, ये भी इसकी है, सीयू की है। इन तीनों को छोड़कर, आदि इन तीनों को छोड़कर जो संक्रमण तत्व हैं, जो हम संक्रमण तत्व पढ़ रहे हैं, इन तीनों को छोड़कर समस्त संक्रमण तत्वों के लिए अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। सभी का अपचयन विभव का मान कैसा होता है? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक होने के अनुसार, ऋणात्मक है मतलब क्या है, क्रियाशील होनी चाहिए। क्रिया करेंगी, अपचायक प्रकृति की है तो अपचायक प्रकृति की होने के कारण जो अपचायक प्रकृति के होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे का अपचयन करते हैं और खुद का ऑक्सीकरण करते हैं। मतलब अगर मैं अभी ऑक्सीकरण अपचयन वाली बात करती हूँ, जैसे हमने धातु ली Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दिया ऑक्सीडेशन, यहाँ लिख दिया रिडक्शन। ऑक्सीकरण होना मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, ठीक है। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो ऑक्सीकरण, लिया जाता है तो अपचयन। लेकिन ऑक्सीकारक अपचायक में अलग बात यह होती है कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं उड़ेगा, किसी के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो जब ये ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को लेना क्या है? रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण के क्रिया के दौरान दूसरे का क्या होता है? अपचयन होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अपचायक। तो अपचायक का तो ऑक्सीकरण होता है और इसके विपरीत ऑक्सीकारक का क्या होता है? अपचयन होता है। तो ये बोले अपचायक प्रकृति है, इसकी अपचायक प्रकृति है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा मतलब क्रियाशीलता ज्यादा होगी, क्रियाशील। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये इतने अधिक क्रियाशील नहीं होते, धातु इतनी अधिक क्रियाशील नहीं होती है। अगर हम कुछ भी कोई भी धातु लेते हैं, लोहे को भी लेके आते हैं, तो उसमें कुछ समय तक तो जंग नहीं लगती है, बाद में लगना शुरू होती है। कारण क्या है? शुरुआत में क्रियाशीलता उसकी कम क्यों होती है? होनी ज्यादा चाहिए थी, कम होने का कारण है उस पर रक्षात्मक परत चढ़ी होती है, रक्षात्मक परत रक्षा करती है और उसे क्रिया करने नहीं देती है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब वो रक्षात्मक परत हटने लगती है तो उसकी क्रिया होने लगती है और उसमें जंग भी लगने लगती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी कम क्रियाशीलता के और कारण देखें, तो उसकी कम क्रियाशीलता का और कारण ये भी है कि इनके आयनन विभव और वाष्पीकरण ऊष्मा के मान बहुत ज्यादा होते हैं। तो वाष्पित होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा होने के कारण ये बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। तो ये हो गई इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स विभव। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण से आप सभी समझ सकते हैं, उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रिया को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम संक्रमण तत्वों को उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हैं। उत्प्रेरक के रूप में यूज करने से क्या होगा, ये किसी की अभिक्रिया को घटा या बढ़ा सकेंगे। तो हम ऐसे कुछ उदाहरण बताएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि ये ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए गए हैं या नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले, जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रही हूं, फर्स्ट है फेंटोन अभिकर्मक। क्या होता है? FeSO4 प्लस H2O2। अब देखो Fe क्या है? पेरस संक्रमण तत्व। इसको यूज करते हैं हम ऑक्सीकरण में, तो ऑक्सीकरण में ये उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उत्प्रेरक प्रकृति होती है संक्रमण तत्व। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि देखूं, तो संपर्क विधि में B2O5 का यूज किया जाता है।
B2O5 में बी क्या है? वेनेडियम, ये भी संक्रमण तत्व है, इसको भी उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं, तो इसका मतलब संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरक का गुण होता है। इसके अलावा एक बहुलीकरण अभिक्रिया देखें, बहुलीकरण अभिक्रिया में जिगला नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, TiCl3+R3Al, इनका प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? Ti टाइटेनियम, ये भी क्या है? एक उत्प्रेरक के रूप में यूज हो रहा है संक्रमण तत्व। अब कारण क्या है ये उत्प्रेरक के रूप में यूज किए क्यों जाते हैं? कारण ये है कि इन पर इनकी जो सतह होती है अवशोषित प्रकृति की होती है, अर्थात कारण यह है मुक्त संयोजकता पाई जाती है, मुक्त बंध पाए जाते हैं, मुक्त संयोजकता होने के कारण ये आसानी से बंध बनाती है, खुद से क्रियाकारक को जोड़ती है, ऐसे दो क्रियाकारक जो आपस में नहीं जुड़ पा रहे पहले खुद से जोड़ते हैं ये तत्व, फिर तो उसके बाद आपस में उनको जोड़ के खुद अलग करते हैं, मतलब उत्प्रेरक करते हैं, अभिक्रिया को संपन्न करवाने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब है इस पर क्या होती है? मुक्त संयोजकता पाई जाती है। और इसके अलावा ये परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अभिकारक के अनुसार अपनी परवर्ती अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित करेंगे और उत्पाद बनाने में मदद करते हैं। तो ये हो गए इसके उत्प्रेरक के गुण। इसके बाद है नेक्स्ट संकुल निर्माण, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है और शायद इसके बाद कुछ थोड़ा यूनिट और बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कंप्लीट हो जाए।